In this section, I will be telling you about the four basic features of insurance contracts. So we are talking about risk management, we are talking about transferring risks to some other parties, and that can be done by buying insurance. So there are four important features that are related to the insurance contracts that we need to understand, we need to know, we need to uh, understand properly so these four contra uh, uh, these four features of insurance contracts include exclusions caps deductibles and co-payments so i'm going to explain these four features one by one so when we say exclusions exclusions are basically those types of losses that are not covered by the insurance company <laughs> for example देर कुड भी सम डिजीज़ जिसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कवर करती और अगर सपोज एक, एक, एक किसी इंडिविजुल ने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस बाय किया हुआ इंश्योरेंस कंपनी से तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है कि इफ़ यू डाई बाय एक्सीडेंट या आपको कोई कुछ कुछ और फला डिजीज़ हो जाता है कुछ भी तो उसमें इन इन दैट केस हम आ, ये आ, आ, जो अग्रीड अपॉन अमाउंट ऑफ मनी है वो आपको रीपे करेंगे इफ़ यू बाय लाइफ इंश्योरेंस मगर सम वॉट दे विल से दैट इफ द डैथ इज बिकॉज ऑफ दिज 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 दीज पॉसिबिलिटीज द लाइफ इंश्योरेंस विल नॉट बी वी आर नॉट गोई टू कवर यू फॉर दैट तब आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले इन और वो कौन सी केसेज हो सकते हैं वो कोई डेडली डिजीजेज हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर तो वहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर नहीं करेगी दिट दिस विल बी एन केस ऑफ एक्सक्लूजन सिमिलरली अगर एक आदमी ने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया है बीस लाख रुपए का या एक करोड़ ,00 रुपए का और वो नेक्स्ट डे जाके सुसाइड कर देता है और वो मर जाता है तो भी उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो उसको कवर नहीं करेगी दैट इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ एक्सक्लूजन सो देर आर सर्टन लॉसेज जहाँ इंश्योरेंस कंपनीज डिफाइन कर देती हैं कि ये एक्सक्लूजन्स हैं इन इस तरह की पॉसिबिलिटी में इस तरह के एक्सीडेंट्स के अंदर हम आपकी जो लॉसेज हैं उनको कवर नहीं कर सकते एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड के वेन एवर वी आर गोइंग टू बाई एन इंश्योरेंस पॉलिसी वी नीड टू नो अबाउट वी नीड टू लर्न अबाउट द वेरियस एक्सक्लूजन दैट मे बी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग डरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कैप्स भी इंश्योरेंस कंपनीज लगाती हैं वो बोलती हैं आपका जो लॉस है वो ये कैप है बीस लाख रुपए का पचास लाख रुपए का एक करोड़ रुपए का दस हजार रुपए का इससे ज्यादा डैमेजेस अगर होंगे तो हम आपको कवर नहीं करके देंगे राइट सो द एक्सपेंस हैज अ कैप ऑन इट तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फीचर फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कैप लगा के दिया है कि सपोज इट इज़ पाँच लाख रुपए तो अगर आपका अस्पताल का बिल पाँच लाख रुपए या पाँच लाख रुपए से नीचे का होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है वो आपको आपके जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं वो पे कर देगी बट इफ़ ओवर एंड अबाउ पाँच लाख रुपए की आपकी पॉलिसी है वहाँ कैप लगा हुआ है अगर आपके एक्सपेंसेस या आपके बिल्स उससे ऊपर होंगे तो वो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है एट द टॉप ऑफ द कैप दैट हैज बीन इम्पोज वो आपको कवर नहीं करेगी सो so, यहाँ फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी बायर है उसको वो अपने एक्सपेंसेस खुद ही बियर करने पड़ते हैं सो देर इज़ दिस इम्पॉटेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वैन वी आर गोइंग फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड अदर थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रा एक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल्स सो देर आर सर्टन डिडक्टेबल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी डिटक्टेबल होता क्या है डिटेक्टेबल इज एन अमाउंट ऑफ मनी जो कि इंश्योरेंस पार्टी ने अपने एक्सपेंस से खुद ही पे करना होता है तो अभी कोई नुकसान हो गया कोई डैमेजेस हो गया हमने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया हुआ है अपने वहीकल के लिए तो देर विल भी सम एक्सपेंसेस जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी डिफ़ाइन करेगी कि ये तरह के एक्सपेंसेस जो हैं या खर्च हैं ये आपको ख़ुद ही पे करने पड़ेंगे और इसके लिए आई एम आई एम गोइंग टू कोट एन एग्जांपल के सपोज़ इंश्योरेंस पॉलिसी ने कहा कि एक हज़ार रुपये जो टोटल डैमेज आएगा सपोज अगर वो वर्कशॉप uh, पे आप लेके गए उन्होंने कहा ओवरऑल जो डैमेज है जो लाइट इसकी टूट गई है या कोई स्क्रैच आ गई है उसके लिए पाँच हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे तो वहाँ जो इनिशियल वन थाउजेंड रुपी है दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस बायर तो दैट इज़ नोन एज अ डिडक्टेबल तो देर आर सर्टन पॉलिसीज देर आर सर्टन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द आल्सो इंक्लूडेड। के जो दिस दिस मच बेसिक जो एक्सपेंस है इतने रुपए का वो इंश्योरेंस पॉलिसी बायर ने ही पे करना है वो कंपनी नहीं पे करेगी द थर्ड फीचर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ को पेमेंट्स को पेमेंट्स का मतलब होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी जाती है कि ओवरऑल जो भी डैमेज होगा उसके लिए ऊपर जो पैसे खर्च होने वाले हैं उसमें से 80 परसेंट या 90 परसेंट या 75 परसेंट इंश्योरेंस कंपनी बीयर करेगी और बाकी का जो रिमेनिंग 25 फाइव परसेंट या फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ 75 परसेंट दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी बायर हिमसेल्फ तो दिस इज कॉल्ड को पेमेंट्स सो दिस इज़ अनादर फीचर दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कोपेमेंट्स डिफाइन की हुई होती है, रेशो डिफाइन होती है प्री प्री ग्रीड डिफाइंड रेशो है जिसमें जो इंश्योरेंस बायर है उसको बताया जाता है कि कोई नुकसान की सूरत में इतना परसेंट ऑफ द टोटल डैमेज जो लॉस होगी या डैमेज होंगे उसका इतना परसेंट तुम पे करोगे और बाकी का इतना परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो वैन वी टॉक अबाउट डिडक्टेबल्स एंड को पेमेंट्स ये दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है देर इज़ अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड यू मस्ट बी थिंकिंग वाई दीज टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट और फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द रीज़न इज के वी वी सी दैट देर इज देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल हैजट के अगर हम मुझे ये पता है कि मेरा जो व्हीकल है मेरी कार है या मेरे पास कोई भी मैंने कोई इक्विपमेंट um, ख़रीदा हुआ एक्सपेंसिव और उसके लिए मैंने पॉलिसी बाय करी हुई है इंश्योरेंस तो आई माइट नॉट बी टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली बिकॉज आई नो बैकेंड के ऊपर इसका इंश्योरेंस है और मैंने कुछ भी डैमेज हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल द डैमेजेज एंड द लॉसेज एंड द प्रॉब्लम दैट आर गोइंग टू बी देअर उसको वो सारे डैमेजेस को वही कवर करेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस बायर के अंदर भी वो भी ध्यान करे चीज़ों को आ, उसको लुक आफ्टर करे प्रॉपर्ली उसके लिए वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल्स और को पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो इंश्योरेंस uh, कंपनी के जो लॉसेस पॉसिबल लॉसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके uh, जब मुझे पता है कि इन केस मेरे गाड़ी के अंदर कोई डैमेज होगा उसका ट्वेंटी परसेंट लॉस उसकी ट्वेंटी परसेंट रिपेयर की कॉस्ट मैंने बे करनी है एट्टी परसेंट कंपनी बे बे बेयर करने वाली है तो मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊंगी उसका ख्याल भी रखूंगी ताकि इन केस अगर कोई मसला हो जाता है तो फिर मुझे भी नुकसान पहुंचने वाला है तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड हैविंग दीज फीचर्स ऑफ को पेमेंट्स एंड डिडक्टेबल्स दैट आर इंक्लूडेड इन इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सो इसी तरह से uh, यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगी आपको मज़ीद इसको एलेबरेट करने के वास्ते कि सपोज किसी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है तो डॉक्टर का फी पे करना है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने तो वहाँ अगैन दे कैन गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ को पेमेंट्स वो उसमें डाल सकते हैं कि डॉक्टर का फी जो भी होगा उसमें से टेन परसेंट इंश्योरेंस बायर पे करेगा और बाकी का रिमेनिंग नाइन्टी परसेंट इंश्योरेंस कंपनी बाय पे करेगी तो ऐसा करने से क्या है कि पीपल विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व दे विल लुक आफ्टर देयर द थिंग्स दैट दे आर हैविंग अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे ताकि उनके ऊपर किसी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन या बोझ ना आ सके तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल्स एंड को पेमेंट डिडक्टेबल में ये है कि आपको जो सर्टन अमाउंट तक की जो पेमेंट करनी है रिपेयर करने के लिए या कोई भी डैमेज के कॉन्टेक्ट्स में वो इंश्योरेंस बायर ने खुद करनी होती है उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको पे करेंगे